So hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel. This is Prantik and you are watching the Red Red. So guys, काफी दिनों बाद आज मैं वापस से मोबाइल को उड़ा चुका हूँ व्लॉगिंग करने के लिए. बहुत दिनों बाद guys, actually मेरा चैनल पूरा मतलब डेड पड़ा था. मम्मी भी कह रही है तेरा यूट्यूब का क्या हुआ. दोस्तों से मिलता हूँ तो दोस्त लोग भी पूछते हैं कि यूट्यूब में वीडियो क्यों नहीं ला रहा है. फिर रिलेटिव्स भी बोल रहे हैं कि यूट्यूब में आजकल वीडियो आ क्यों नहीं रहे तेरा. तो तब जाके मेरे को समझ में आया कि हाँ जी, सब लोग मेरा वीडियोज देखते तो है. और या इसी की वजह से, वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से मैं दोबारा से मोबाइल उठा चुका हूँ वीडियो करने के लिए. आज थोड़ा सा मस्ती मजाक करेंगे एंड फिर से मुझे वो जोन में जाना पड़ेगा, वो ब्लॉगिंग जोन में जो मैं पहले करता था. तो या, और हाँ, मेरे पीछे ये चीज आपको दिख रहा होगा, ये वाला. हाँ जी, ये मैंने बॉक्सिंग बैग नया खरीदा है, पंचिंग बैग बेसिकली. तो इसको मैंने फिक्स किया है तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया. एज यू कैन सी, नीचे से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है. तो अभी कुछ दिनों में फिर से वो भैया आएंगे जो जिन्होंने फिक्स किया है. तो क्या करना है, इसे ऊपर से ना थोड़ा सा उसको फिर से चेन लगा के इसको यहाँ तक लाना है ताकि ये नीचे एटलीस्ट यहाँ तक आ पाए, ताकि मैं किक भी कर पाऊँ और अच्छे से मुझे ये जो बेली है, वो जो मिडिल पोर्शन है, वो मुझे मिल जाए पंचिंग वगैरह के लिए. ऑल्सो गाइज, ये वाले बॉक्सिंग ग्लव्स मैंने मंगवाए हैं. तो यह काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ा था तो मंगवा लिया. अभी प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ घर पे ही, थोड़ा यूट्यूब देख के. फिर मेरे जो दोस्त हैं वो बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग वगैरह करते हैं तो उनसे भी थोड़ा नॉलेज लेके मैं घर पे ही कर लेता हूँ. और जिसके कारण मेरा पीठ पे ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है. कंटिन्यू 20 मिनट्स तक इसको पंच किया था, एकदम हेडफोन लगा के गाना लगा के कंटिन्यू 20 मिनट्स तक पंच किया और मेरा पीठ इतना दर्द हो रहा है. अभी भी मैं अपना मोबाइल उठा नहीं पा रहा. तो या गाइस, नीचे चलते हैं और आज का सीन्स दिखाते हैं आपको. एंजॉय कीजिए, ब्लॉग में बने रहिए और मस्ती मजाक चलता रहेगा. इस चीज़ को इग्नोर करना गाइस, बहुत ही शोर मचाता है. तो यहाँ पे है गाइस अपने दोनों जिगर के टुकड़े, यहाँ पे दिख रहा होगा पहला और वो रहा दूसरा. हाँ जी, तो ये रहा दूसरा. तो दोनों बहुत ही गंदे हो रखे हैं. ये भी फिर भी साफ़ है बट इसको मैंने रिसेंटली चलाया था तो ये बहुत ही गंदा होकर रखा है क्योंकि अभी मानसून सीज़न है. और ये लो एक झलक देख लो. हाँ जी, ये देख लो. अरे अरे अरे, द रेड बुल. और यहाँ पे अपना CBR. वैसे जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया उनको पता होगा कि CBR का एक एक्सीडेंट हो चुका था, एक छोटा मोटा सा. तो ये पूरा जगह पूरा डैमेज हो गया था, ये लीवर्स वगैरह सारे टूट चुके थे यहाँ पे. तो सब कुछ मैंने ठीक करा लिया है. यहाँ पे सब कुछ टेढ़ा वेढ़ा हो चुका था तो सब कुछ मैंने ठीक करा लिया, पेंट वगैरह सब कुछ करा लिया है. तो अभी ऑल ओके, ऑल गुड. और आपको रूबरू कराते हैं एक और नया मेंबर से हमारे घर के. तो ये रहा प्लेजर प्लस और ये मामा का दिया हुआ स्कूटी है, आई मीन हेमंत मामा का, CM मामा का. तो ये मेरे ये मेरा बहन का है बेसिकली, वो तो गुवाहाटी में पढ़ाई करती है तो मैं ही चलाता हूँ इसको. तो अपने एक दो कहाँ गए, एक दो और तीन रेड ब्यूटी. तो गाइस, यहाँ पे लोकेशन चेंज हो चुका है एंड अभी हम किसी के घर पे आए हैं, दिखाते हैं. ये देख रहे हो किसके घर में आए हैं, ये तो हम आ चुके हैं इसके घर में. और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग करके बहुत ही अच्छा लग रहा है. एक्चुअली ब्लॉगिंग मेरा शुरू जो हुआ था इसी जगह से हुआ था, इसी मिट्टी से, तो बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ पे हमारा, ओ भाई भाई भाई, ये देखो यार आँखें, हाय हाय, ये मीन आंखें. और ये जो आंखों का डिजाइन था ये अभी के मॉडल्स में चेंज हो चुका है और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. सच बताओ, टू सीरीज तो फेसलिफ्ट आया नहीं ना अभी तक. अभी उसका फेसलिफ्ट आया नहीं है बट अभी जो 3 सीरीज, 5 सीरीज, 7 सीरीज जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं सबके आंखों के जो डिजाइन है वो चेंज हो चुके हैं. अभी क्या है ना, वो DRL जो ना ऊपर से ऐसा नीचे उतरते हैं, पहले नीचे से ऐसा ऊपर जाते थे, अभी ऊपर से नीचे उतरते. तो पहले का डिजाइन बहुत ही एग्रेसिव आंखों का डिजाइन जैसा था लेकिन अभी का वैसा है नहीं. तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जस्ट फॉर द नॉलेज और मुझे बताने में अच्छा लगता है इसीलिए. तेरा पीछे देख.
तो गाइस जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मेरा जो सीबीआर का वो एक्सीडेंट हो चुका था, तो कैसे क्या हुआ है वो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे सब कुछ स्टोरी में बताया था, दो हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। तो बेसिकली क्या है ना कि मेरे यहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो जाम पे मैं खड़ा हुआ था और पीछे से एक टुकटुक वाला आया संडे को, ऐसा दिन दहाड़े आके पीछे से एकदम धाक करके ठोक दिया मेरे को। बाइक गिर गया और जो प्रेशर था उस प्रेशर से मैं मतलब जंप कर दिया, ठीक है, मैं गिरा नहीं, मैंने जंप कर लिया। और जंप करने से क्या हुआ, मैं तो बच गया बट बाइक गिर गया और बाइक पे जो गिरा तो काफी ज्यादा डैमेज हुआ था बाइक पे। तो दिन दहाड़े वो जो टुकटुक वाला ठोका वो पूरा पिया हुआ था, फिर जो होना था वो हुआ, उसको उतारा। उतारने के बाद तो पहले उसको मैंने चेक किया कि वो पिया है कि नहीं, वो साला खड़ा नहीं हो पा रहा था, और जिसके कारण मैंने उसको और कुछ बोला नहीं, उसके घर गया। उसके घर जाके उसको फिर जो होना था हुआ, सब कुछ बातें वगैरह हुआ, फिर हाँ मैंने ही ठीक करा लिया। वो लोग बहुत ही गरीब थे, ज़्यादा रुपये नहीं लगे, ऐसा 500 रुपये लगे, 500-600 रुपये लगे ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा। तो टचवुड ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ चेंज नहीं कराया, सब कुछ मतलब थोड़ा रिपेयर करा लिया बेसिकली, और रिपेयर करने से ही सब नया जैसा हो गया, तो इसलिए चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और ये अंदर जा चुका है, और ये क्या लाइट्स लगते हैं यार, मैं सही में यार इन लाइटों का दीवाना हूँ। और मैं यही बोलना चाहूँगा गाइस कि पिया मत करो यार, ड्रिंक एंड ड्राइव प्लीज़ मत किया करो, प्लीज़। जितना मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल मत किया करो। अरे एग्जॉस्ट नहीं है रे, मैं मज़ा नहीं आ रहा है, एग्जॉस्ट नहीं है, नहीं। सो गाइस ये दूसरा गराज भी खुल चुका है, और इस गराज के अंदर पहले ही मुझे दिख रहा है ये 500 बुलेट, 500 क्लासिक 500, और यहाँ पे अपने दोनों ब्यूटीज द हार्लीज, द हार्ली डेविडसन्स। हाय हाय हाय, लाखों करोड़ों का गराज स्टार्ट कर रहे हैं क्या? क्या साउंड कर रहा था यार, मजा आ गया। और रुक जा, और इस बाइक का जो नया ग्राफिक्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। मुझे याद है कि BMW का ब्लॉग करने जा रहा था, और मैंने बताया था कि बाद में इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाएंगे। और आई नो गाइस आप लोग राइड भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, तो राइड भी एक्चुअली प्रॉपर राइड हो नहीं रहा है, तो करेंगे यार करेंगे। थोड़ा सा अभी फैमिली में सेटल डाउन होते हैं, मतलब थोड़ा सा एज भी बढ़ रहा है ना, तो सब कुछ सेटल डाउन करते हैं। इसका भी सेटल डाउन होना है, मेरा भी होना है, और एक्चुअली ये जो हमारा एज है ये एज ही है, मतलब मस्ती भी करो और अपने पैरों पे खड़े भी हो, तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा सबके लिए। तो धीरे धीरे आएंगे, उस चीज़ पे भी आएंगे, राइडिंग ब्लॉगिंग सब कुछ पे आएंगे। तो यहाँ पे दूसरा बाइक स्टार्ट कर। और गाइस ये स्पेशल डिमांड से इसका भी ब्लॉक किया जा रहा है। ओ रुक जा मार किक। ओ एक किक में स्टार्ट हो गया भाई। स्पेशल डिमांड गाइस, ऑन स्पेशल डिमांड। भाई क्या साउंड है यार, हर बाइकों का ना अपना एक अलग सा साउंड है, और बहुत मजा आता है। हाय हाय हाय, ये बुलेट 500 कह लो, क्लासिक 500 कह लो, उनका जो एक थंप है ना वो 350 से बहुत ज़्यादा अलग है। लोगों को समझ में नहीं आता बट बहुत ज़्यादा अलग थंप है, क्योंकि पर्सनली हमने इसको चलाया है, और 350 भी, ओए रुक जा, हमने 350 को भी चलाया है, तो पर्सनली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सही थंप है, बहुत सही थंप है। सो दोस्तों मैं जो हूँ व्लॉग में हमेशा हंसी मजाक करता रहता हूँ, फिर बाइकों के बारे में, बेसिकली मेरा चैनल जो है वो बाइक्स एंड कार के बारे में, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, तो ये हम हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा सा फुलिश बिहेव करते हैं, तो जिसके कारण जो लोगों को, कुछ लोग हैं उनको लगता है कि हम चुप
है, तो बेसिकली हम वो है नहीं, हम ना अपने आप को मतलब वो जो रियल आस है वो हम नहीं दिखाना चाहते सोशल मीडिया पे, इसलिए सिर्फ हंसी मजाक वाला पार्ट ही दिखाते हैं, और जितने से मतलब आप लोगों का एंजॉयमेंट होगा वही पार्ट हम दिखाते हैं बेसिकली हमारे चैनल पे। और कुछ लोग शायद ये भी बोलते होंगे कि हम शो ऑफ करते हैं, एक्चुअली देखो गाइज मुझे बाइक्स एंड गाड़ियां बहुत पसंद है, तो मैं बाइक्स एंड गाड़ियां ही दिखाता हूँ, बाकी शो ऑफ करने के लिए हजारों चीजें पड़ी हुई है। क्यों रे, सिर्फ बाइक्स एंड गाड़ियां ही तो दिखाते हैं ना, और तो कुछ नहीं दिखाते। हाँ तो वही है, सिर्फ बाइक्स एंड गाड़ियां दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते। क्या कुछ नहीं दिखाते का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बाइक्स एंड कार्स। एक्चुअल में मजाक से हट के सिर्फ बाइक्स एंड कार दिखाते हैं। प्लीज कुछ लोग जो जज करते हैं वो कंटिन्यू जज करते रहिए, मैं मना नहीं करूंगा कि जज मत करो, कंटिन्यू जज करते रहिए कि हम फ्लैक्स करते हैं, हम यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हैं। देखो ये चीज हमारा पैशन है और पैशन से करता हूँ, और पैशन के जब पैसे भी मिल रहे हो तब तो और भी बढ़िया, और अगर पैसों के ज्यादा भूखे होते यूट्यूब से, वो जो एक यूट्यूबर है ना नाम खोलने तो हाँ वो बीप हो जाएगा, तो उसके जैसा हरकत करते हैं, बट हाँ हम वैसे नहीं है, बट पैसों के भूखे तो देखो सभी होते हैं, लेकिन वो अपना इमेज उमेज जैसा पानी में गिरा के हमको मतलब वो पैसा कमाना नहीं है, तो हाँ हंसी मजाक करते हैं और बाइक्स एंड गाड़ियां दिखाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाते। और आप लोगों में से काफी लोग पूछते रहते हो कि भैया मैं कौन सा बाइक खरीद रहा हूँ नेक्स्ट, कि आप कौन सा बाइक लोगे, ये वो, तो देखो यार प्लानिंग तो काफी कुछ चल रहा है, लेकिन मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि प्लानिंग चेंज हो सकता है, और अगर प्लान चेंज हो गया तब देखो यार मेरी बेइज्जती होगी यूट्यूब में, कि कहोगे कि भैया ने ये बोला था और ये नहीं किया। तो या मैं ना सीधा एकदम सब कुछ होके फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो अभी भी मेरे ऊपर जो है ना मेरे मम्मी पापा है, तो मेरा तो मतलब प्रपोजल होता है, डिसीजन मेकिंग सब मेरे मम्मी और पापा का ही होता है, और ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए क्योंकि अभी भी वो जिंदा है, वो ही मेरा देखभाल कर रहे हैं अभी भी, और या तो उनका भी होना चाहिए, उनका ही होना चाहिए बेसिकली। तो यही बात है, बाकी या प्लानिंग तो बहुत कुछ चल रहा है यार, दिल में दिमाग में सब कुछ हो रहा है। तेरा भी हो रहा है प्लानिंग? नहीं। हाँ इसका नहीं हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, अभी बताएगा नहीं बहुत कुछ प्लानिंग हो रहा है यार, लेकिन अभी बताएगा नहीं। हाँ और बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि काफी लोग एक्चुअली क्या हम भी किसी यूट्यूबर का देखते हैं तो बोल रहे हैं मैं ये ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, और फिर बाद में जाके लेते नहीं है, तो ये बहुत ही गलत दिखता है, और हम भी बोलते हैं साला ऐसे ही बोल दिया ब्लॉग में शो ऑफ करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। अगर सही में लेना होगा और एकदम लेके सब कुछ फाइनल करके कि अभी इससे रिटर्न नहीं हो सकता तो तभी बताएंगे। तो जी हाँ गाइस चैनल पे बने रहना, और गाइस कुछ मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, मुझे कुछ दिनों पहले रॉयल एनफील्ड से मुझे एक इनविटेशन आया था कि जो शॉटगन 650 है उसका लॉन्च इवेंट है, तो आप आइए आके थोड़ा सा कवर वगैरह कीजिए, तो हम गए थे जाके थोड़ा सा बहुत शूट किए थे, तो वाला पार्ट आप लोग पहले देख लो। So guys, I am at the Royal Enfield showroom, और आज जो है यहाँ पे सुपर क्या कौन सा बाइक? शॉटगन। ओह हाँ सॉरी मैं नाम भूल गया, शॉटगन 650 का लॉन्च है, और वहाँ पे बाइक ढका हुआ है आप लोग देख सकते हो, मेरे सामने खड़ा है हिमालयन 450। हाँ ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो ये इसका भी टेस्ट राइड मेरा पेंडिंग है, तो ये भी जल्दी से टेस्ट ड्राइव करेंगे, और आज मैं दूसरे मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ और बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा है, यहाँ पे रिंग लाइट भी है आप लोग देख सकते हो, तो एक्चुअली मेरा आईफोन का स्टोरेज फुल हो गया तो मैं दूसरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और यहाँ पे बाइकों का कलेक्शन तो भाई तगड़ा है, फिलहाल इस पर एक बार मैं बैठ के चेकआउट वगैरह करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोबाइल पे रिंग लाइट है, बहुत ही कमाल का फीचर है, और इसमें कलर भी चेंज हो जाता है जैसे कि रिंग लाइट पे होता है तो मैं इसे ब्लॉक कर रहा हूँ आज क्योंकि इस मोबाइल का स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, और यहाँ पे शुगर तो हिमालयन 450 पे बैठा है, कैसा लग रहा है रे इस पे बैठ के? ब्रॉड भाई हाँ बहुत ब्रॉड है, तो बहुत ब्रॉड है, तो देख ना पीछे का जो टेल लाइट है वो पूरा S1000RR जैसा है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शॉटगन 650 बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा है, लेकिन पहले जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में देखा था उससे तो बहुत ज़्यादा अलग है,
मुझे ना पर्सनली उसका जो फ्रंट लुक है मतलब उतना खास नहीं लगा बिकॉज ऑफ दिस. ये वाला खुल जाता है वैसे तो, ये खुलने के बाद आई थिंक अच्छा लगने वाला है. और जब बार एंड मिरर्स लगेगा उसके बाद खूबसूरत लगने वाला है. जैसे कि इसका जो टैगलाइन है वो है इंस्पायर्ड बाय कस्टम फॉर कस्टम. मतलब ये सिर्फ ये मतलब पूरा ही कस्टम बाइक है पूरा. मतलब आप जैसे चाहे उसको वैसे मॉडिफाई करा सकते हो. तो मुझे बस जो सूझ रहा है अभी कैसे मॉडिफिकेशन करने से ये अच्छा दिखने वाला है मेरे टेस्ट के हिसाब से. तो आप लोग पीछे का लुक देख सकते हो, पीछे से कुछ ऐसा लगता है. और ये वाला खुल जाता है, ये वाला खुलने के बाद सिंगल सीट हो जाएगा. इसके नीचे पेनियर टॉप बॉक्स रैक है. यहाँ पे आप लोग टॉप बॉक्स भी शायद रख सकते हो. यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन भी है रॉयल एनफील्ड ट्रिपल बिल्ट विद गूगल. ओ सो गाइस, अभी बाइक के बारे में डिटेल्स उतना पता भी नहीं है और अभी मैं पूछने भी नहीं वाला क्योंकि ये स्पेसिफिकेशंस जान के क्या होगा, चलाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि बाइक कैसा है. वैसे स्पेसिफिकेशंस भी इम्पोर्टेंट है बट हाँ, मैं इस बाइक को और हिमालयन 450 को मैं टेस्ट ड्राइव करने वाला हूँ. तो जिस दिन भी टेस्ट ड्राइव करता हूँ उस दिन सारा डिटेल्स जो है क्लियरली आप सभी को बताऊँगा. फिलहाल बाइक कुछ दिखने में ऐसा लगता है साइड से जैसे कि आप लोगों ने पहले देख लिया है. बट हाँ, मैं अभी जो देख पा रहा हूँ वो पीछे का सीट खुलने से और सामने का वो जो कवरिंग है वो खुलने से और बार एंड मिरर लगने से ये बाइक का ना लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाने वाला है. तुझे वैसे कैसा लगा ये बाइक? हाँ, इसको हिमालयन 450 वो वाला एक्चुअल में काफ़ी सुंदर था. वो वाला एक्चुअल में काफ़ी सुंदर था क्या? वो वाला एक्चुअली में काफ़ी सुंदर है और मेरे लिए थोड़ा सीट हाइट उसका ज़्यादा हो जाता है. बट कोई नहीं, चला पाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी चलाएंगे. तो आज के ब्लॉग में मैं कमिट करता हूँ कि मैं उस बाइक को और इस बाइक को बहुत जल्द टेस्ट ड्राइव करूंगा क्योंकि बहुत मन है मुझे ये दोनों बाइक्स चलाने का. 650 है, इंजन सेम होगा इसका बट देन इसका राइडिंग एर्गोनॉमिक्स जो है वो पूरा डिफरेंट है, पूरा डिफरेंट है. बहुत ही कंफर्टेबल सा इसका पोस्चर है और हाँ, एग्जॉस्ट भी डिफरेंट है, स्टॉक एग्जॉस्ट भी डिफरेंट है, तो साउंड भी थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है.